तो पूरे राज्य में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत वन विभाग की नर्सरी में 1,63,888 पौधों को तैयार किया गया, जिसमें फलदार और छायादार दोनों ही पौधे शामिल हैं। पौधागिरी कार्यक्रम के तहत ये पेड़ पलवल में 96,000 बच्चों को बांटे जाएंगे। साथ ही पौधों की देखभाल के लिए बच्चों को 100 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हमने जो यहाँ सरकार की तरफ से जो टारगेट मिला है उसमें 8,125 पौधे लगेंगे जी टोटल। उसमें कैंपा स्कीम और स्टेट स्कीम दोनों है। एक जो नर्सरी की बात है उसमें हमने यहाँ अपने पास 1,63,888 पौधे तैयार किए हैं जी, जिसमें लगभग DO साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया था 97,000 बच्चे हमारे पलवल ज़िले के हैं जो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के हैं। तो उसमें हम 97,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा देंगे जी। और उसके लिए जो माननीय सरकार हमारी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा कर रखी है कि जो बच्चा पौधे की देखभाल अच्छे से करेगा उसको पाले पोसेगा उसको 50 रुपये 6 महीने में, तो एक साल में उसको 100 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा जी। अपील करना चाहूँगा जी लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके पौधे लगाएँ, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो ख़राब होता जा रहा है। और जिससे अब आप देख रहे क्लाइमेट चेंज का जो रिजल्ट है यही है कि बारिश जहाँ होती है वो पहले झड़ी लगती थी जो चारों तरफ बूंदाबांदी होती थी, बारिश होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता जी। अब एक पर्टिकुलर लाइन बन जाती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर।